अभी कुछ टाइम पहले गुरुग्राम से ये न्यूज आई, 80 साल के दर्शन सिंह बरार, जिनको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जब इनकी बॉडी को एम्बुलेंस से ले जा रहे थे तो अचानक से रोड के गड्ढे से ऐसा झटका लगा कि इनकी पल्सेस वापस चलने लगी, वो दोबारा से जिंदा हो गए। यूजुअली रोड के गड्ढों से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जान चली जाती है, लेकिन शायद ये दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जहां पर किसी की जान गड्ढों की वजह से बच गई। इस न्यूज के आने के बाद से इस पर कई सारे मीम बने। वैसे कहा जाए तो CPR देने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए ये कितनी नॉर्मल बात हो गई है। गाड़ी बाइक लेकर जब आदमी निकलता है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि अरे भैया गड्ढे तो मिलेंगे, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी ना हो तो डील कैंसिल हो जाती है कि भैया इंडियन रोड पे चलेगी कैसे। कुछ टाइम पहले तक ये जोक चलता था कि भारत में कोई सुपर कार कंपनी सक्सीड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स के बीच में जो थोड़ी सी रोड बनी है उसमें लोग गाड़ी चलाएंगे कैसे, और चलाना तो छोड़ ही दो, अरे खड़े खड़े गाड़ी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अपने यहाँ पर रोड के ऊपर एक डाइकोटमी है। एक तरफ हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, अभी अटल सेतु को देख लो, इतना तगड़ा बना हुआ है लोगों को लगता है GTA वाइब्स आ रही हैं। कमेंट में लोग कंफर्म कर रहे हैं भैया रियल है, AI जनरेटेड तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे शहरों, गांव और गलियों में ऐसी रोड्स हैं कि नई गाड़ी या बाइक लेकर निकलने में थोड़ा सा डर लगता है, अरे पैदल ही ढंग से नहीं चल सकते। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही भाई। और सिविक प्लानिंग इतनी ज्यादा खराब है कि आज रोड बनेगा तो कल सीवर डालने आ जाएंगे, और एक बार रोड खुद गया तो ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सारे काम हो जाएं, फिर दोबारा जब रोड बनेगा तब उसके बाद ही इन्हें याद आएगा कि अरे ये वाली पाइपलाइन तो डालना भूल ही गए थे। और फिर ये सारा काम होने के बाद सालों तक रोड वैसे ही खुदा पड़ा रहता है। रोड खोदने की याद हर बार बारिश के जस्ट पहले आती है इन्हें, और बनता तभी है जब 5 साल में इलेक्शन आ रहे हो। मतलब आप ही सोचो कितना टैक्स पेयर का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है, कितने लोगों का टाइम खराब हो रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गड्ढों की वजह से सड़कों पे जो धूल मिट्टी होती है उसकी वजह से जो पोल्यूशन है इसका रोज रोज आदमी को सामना करना पड़ता है। अगर आप बाइक से दफ्तर जाते हो तो आपको साफ पता होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऑफिस पहुंचना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। जूते पे पन्नी बांधो, गर्मी में भी विंडचीटर पहन रहे हैं, आपने भी ये सारा स्ट्रगल देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि भैया अपने यहाँ की रोड इतनी ज्यादा खराब क्यों है और इसके पीछे असलियत में रिस्पॉन्सिबल कौन। Potholes on Indian roads have become a major threat to life. This year 154 people have died in road accidents, some of which were caused by potholes. Potholes claim 6 lives on Indian roads every day. 13 people died in Bengaluru over the last 5 years due to potholes. ये स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से भारत में 63 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, जो US के बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। हम डेली बेसिस पर 34 किलोमीटर का नया हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और इसीलिए इस साल के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को डिफेंस के बाद सेकंड हाईएस्ट बजट एलोकेट हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को मिला भी दो तो टोटल जो भारत का रोड नेटवर्क है उसका ये बस 5% है, और ये 5% रोड भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इन 5% रोड पर 50% से ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। 2022 में देश के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और दुख की बात यह है कि 2021 के कंपैरिजन में इस नंबर में 12% का जंप हुआ है और डेथ के काउंट में 10% का जंप हुआ है। लेकिन नो डाउट हाईवे हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वहां गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं बल्कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जो बाकी 50% एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नॉर्मल रोड पर हो रहे हैं, और ये किस किस रीजन की वजह से हो रहे हैं आप ग्राफ में देख सकते हो। 9000 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि रोड पे काम चल रहा है, और 3500 से ज्यादा होते हैं क्योंकि पॉट होल खुले पड़े। तो अगर हम वर्ल्ड क्लास हाईवे और एक्सप्रेसवे बना पा रहे हैं, इतनी तेजी से बना रहे हैं, तो ये नॉर्मल रोड बनाते वक्त हमारी ये सारी स्किल, ये सारी एफिशिएंसी कहां गायब हो जाती है। इसके लिए अगर आपको जानना है तो सबसे पहले रोड बनाने और मेंटेन करने में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझनी पड़ेगी। भारत में टोटल ये 6 टाइप की रोड होती है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने की जिम्मेदारी होती है NHAI की, जो कि नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री में आता है। बॉर्डर रोड जो होती है उन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। सिमिलरली जो स्टेट के अंदर हाईवे रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। लेकिन जैसे जैसे रोड छोटे होते जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट टू स्टेट चेंज होती जाती है। अगर आपको मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं तो जो 60 फीट तक के रोड हैं उन्हें बनाने और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनिसिपैलिटी की। लेकिन 60 फीट से जो छोटे रोड आते हैं वहां पर PWD आ जाता है, और कुछ ऐसे रोड भी हैं जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA के अंडर आते हैं। तो यहां तक तो चीजें क्लियर हैं, सब अलग अलग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब इन रोड्स को बनाने या मेंटेन करने की बात आती है तो मामला बिगड़ने लगता है। एक रियल लाइफ
एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के कालकाजी चलो, एसडीएमसी के अंडर आता है ये। दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ पर पाइपलाइन रिपेयर करने के लिए खुदाई की। इसके बाद महीनों तक वो रोड ऐसे ही पड़ा रहा, ना उस पे जल बोर्ड ने कोई रिपेयर कराया ना म्युनिसिपैलिटी वालों ने। सिमिलरली दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर एरिया में टेलीकॉम कंपनी ने फाइबर डालने के लिए रोड तो खोद दिया, लेकिन बाद में इसे रिपेयर करने कोई नहीं आया। कॉर्पोरेशन के एक ऑफिसर ने बताया कि रोड को खोदने से पहले चाहे कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो या प्राइवेट एजेंसी हो, एक फिक्स पैसा उसको जमा करना पड़ता है कि रोड खोदने के बाद ये रिपेयर हो सके, लेकिन लोग ये कराते नहीं है। और अगर इन्होंने करा के परमिट ले भी लिया है तो जरूरत से ज्यादा खुदाई कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम आती है। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है, अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। बेसिकली आप देख रहे होंगे दो प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की और दूसरी प्रॉब्लम है अर्बन प्लानिंग की। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है जब एक से ज्यादा एजेंसियां पे इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर कई बारी जो म्युनिसिपैलिटी है, पीडब्ल्यूडी और जो डीडीए वाले, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसके अंडर ये रोड का काम आएगा और कौन इसे ठीक करवाएगा। ऊपर से म्युनिसिपैलिटी और स्टेट के अंदर अलग अलग सरकार अगर आ गई तो वहां पे झगड़े करने लगते हैं, पॉलिटिकल रीजन आ जाते हैं। आपका कॉर्पोरेटर आपसे कहेगा कि भैया स्टेट में तो दूसरी पार्टी की सरकार है, वो पैसे नहीं दे रहे। अगर सेम सरकार तो स्टेट में अगर सरकार अलग है, सेंटर में सरकार अलग है, तो कहते हैं अरे सेंटर वालों से पैसा नहीं आ रहा, इसीलिए सारा काम अटका हुआ है। साउथ दिल्ली के अंदर वसंत कुंज का एरिया बड़ा पॉश एरिया है, यहाँ के लोगों को 3 साल ये फिगर आउट करने में लग गए कि रोड की मेंटेनेंस की रिस्पांसिबिलिटी आखिर है किसकी। और ये बात हो रही देश की राजधानी के एक बड़े पॉश एरिया की। आप यूपी एमपी के किसी छोटे गांव कस्बे में चले जाओ, वहां सोचो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने लेवल पे प्रॉब्लम चल रही हो। किसी भी सरकारी काम में जब एक से ज्यादा ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर उनका बड़ा फायदा होता है, रिस्पांसिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं आती और मलाई सब में बराबर बटती है। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, छोटा सा सरकारी काम करवाने के लिए भी आपको दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है, और जब आप इनके दफ्तर पहुंचते हो तो बंदा है तो सीट पे नहीं होगा, छुट्टी पे होगा या फिर चाय पीने गया होगा। मतलब अपनी सीट छोड़ के दुनिया में वो आपको कहीं भी मिल सकता है, और फिर वो 1 घंटे में चाय पी के आएगा तो बोलेगा कि भैया ये काम हमारे यहाँ थोड़ी होता है, उस वाले ऑफिस में चले जाओ। और जब वहां आप जाओगे तो वो किसी तीसरे ऑफिस आपको भेज देंगे, और ऐसे आप ऑफिस ऑफिस खेलते रह जाते हो। अपना काम एक दिन में आप करा लो ये तो इम्पॉसिबल बात है। और अगर आपने गलती से बता दिया कि सर मैं तो ऑफिस से छुट्टी लेके आया था, मेरा काम आप थोड़ा जल्दी कर दो, तो फिर जानबूझ के आपका काम ये और ज्यादा डिले करेंगे। मतलब भाई साहब का ऑफिस 10 बजे शुरू होना था, 10:30 पे कुर्सी पे आएंगे और 11 बजे चाय पीने निकल जाएंगे। आपकी पेशेंस का ये पूरा टेस्ट ले लेंगे, और जब तक आप टेबल के नीचे से 2-4 नोट इनको नहीं सरकाओगे, आपका काम ये कर नहीं सकते। हालांकि जो काफी सारी एजेंसीज आपस में कैच खेलती हैं, इनको पकड़ने के लिए एक वॉच डॉग एजेंसी बनाने की बात चली थी, लेकिन ये बात भी सिर्फ पेपर पे रह गई, अभी तक इसमें रियलिटी में कुछ नहीं हो पाया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन की। अब बात करते हैं अर्बन प्लानिंग, जो कि किस चिड़िया का नाम है किसी को नहीं पता। रोड बनाते पहले उसके बाद याद आता है कि भैया सीवर की लाइन डालनी है, फाइबर डालने, और सीवर तो ऐसा डालते हैं कि 2 बूंद पानी अगर बरस जाए तो पूरी रोड में झमाझम भर जाता है। मतलब अगर ऐसी पाइप डालनी है तो मत डालो ना, पूरे सिटी को डिक्लेयर कर दो लेक सिटी है, लोग आराम से नाव चला के ऑफिस जाए। From Sona Road, where some residents in fact took out a boat and were seen on a joyride. एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब सीवर जाम होता है और सड़क पे पानी भरता है, उससे सड़क की क्वालिटी खराब होती है और वो जल्दी टूटने लगती है। मतलब कि ये कहते हैं कि अगर एक घटिया रोड है लेकिन उसमें अच्छा सीवर सिस्टम डाल दिया गया है तो वो ज्यादा चल जाएगी एज कम्पेयर टू एक बेटर रोड जहां पर आपका सीवर सिस्टम ही खराब। वैसे भी अगर आप नोटिस करो तो हर मॉनसून में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, वहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आपको दिखेगी। और ज्यादा बारिश ना भी हो तो रोड इतने उबड़ खबड़ बनाए हैं कि पानी जमा ही रहता है, और ऐसे घर से निकलने से अगर आपको थोड़ी भी दूर जाना हो तो मामला पॉसिबल हो जाता है। और वॉकेबल तो हमारी सिटीज वैसे भी नहीं है। मुंबई विकास समिति की रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 करोड़ लोग रोज पैदल अपने काम पे जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको लेंस लेके ढूंढने पर भी फुटपाथ देखने को नहीं मिलेगा। और मुंबई की बात छोड़ो, आप अपने शहर में देख लो, जो पॉश लोकेलिटी होगी उसके अलावा कहीं पर आपको फुटपाथ देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बनाते ही नहीं है। इनका मानना यह कि सड़क तो बना दी है, अब इस पे फुटपाथ की क्या जरूरत है। और कहीं गलती से बना दिया तो दुकान वाले उसमें अंडा ब्रेड बेचने लगते हैं, जैसे इसी काम के लिए बनाया गया था। अरे फुटपाथ छोड़ो, गली अच्छी बन जाए तो 10 स्पीड ब्रेकर वहां लगा देते हैं, फिर रोज अपनी गाड़ी टेढ़ी करके निकालो कि कहीं भैया नीचे से ना लग जाए। बेसिकली इन सारी रोड्स को बनाने में कोई स्टैंडर्डाइजेशन, कोई एनफोर्समेंट फॉलो ही नहीं होता है, सारा काम बस भगवान भरोसे चल रहा है। आप मानोगे नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हालत हमारे हाईवेज की भी हुआ करती थी बस कुछ साल पहले था। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स रोड बनाने में घपला करते थे, बार बार बजट को रिवाइज कर देते थे, प्रोजेक्ट डिले कर देते थे, दुनिया भर का इसमें करप्शन था। इसके बाद भी जो हाईवे तैयार होता था उसकी क्वालिटी ऐसी होती थी कि आज मंत्री जी ने फीता काटा और कल ही से वहां पे गड्ढे दिखाई देने लगे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से इसमें काफी सलूशन आ गया है। कोई नया लॉ नहीं बनाया, कोई रूल भी नहीं चेंज कराया, बस कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड कर दी गई कि भैया आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा, थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और ये बातें सिर्फ क्लेम नहीं की गई बल्कि ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट की गई है।
ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, लीवर मार्किंग स्पीड बढ़ा दो। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि NHAI सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे बना सकता है, वो आपकी रोड या गली नहीं बना सकता है, लेकिन उनके पास गड्ढे और वाटर लॉगिंग को सॉल्व करने का एक सजेशन जरूर है कि 6 या 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग कॉन्क्रीटिंग मुंबई में कर दो। और दूसरी बात, मुंबई में जो पानी है, जब समुद्र में ज्यादा पानी आता है तो पानी अंदर घुसता है, तो मुंबई के लिए एक स्पेशल वर्ल्ड डिजाइन की ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करनी चाहिए। इस सजेशन को तो मुंबई में इंप्लीमेंट भी किया गया, साथ ही बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, यहाँ पर भी बिटुमिन एस्फॉल्ट से लेकर बिटुमिन कंक्रीट पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी लाइफ 100 साल के अराउंड होती है। देखो, अच्छा रोड, सीवेज सिस्टम या अर्बन प्लानिंग ऐसी चीजें नहीं है जिसके लिए हमें कोई बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट की जरूरत है या कोई नॉलेज हमें चाहिए जो हमें नहीं आता है, बल्कि पॉलिटिशियंस को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, एजेंसी से अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है। और अगर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो भैया सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सिविक सेंस को सीखें, रूल फॉलो करें। कितनी बार ऐसा होता है कि नया रोड बना और सुबह सुबह देखो वहां पर लोगों के चप्पल छपे रहते हैं। ये वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, आप सोच रहे होगे कोई नया स्कैम है, लेकिन एक्चुअल में इस रोड को बनाने के लिए जियो सिंथेटिक फैब्रिक का यूज किया गया था ताकि रोड की पकड़ अच्छी हो सके। लोगों को लगा करप्शन है तो लोगों ने पूरी रोड ही उखाड़ दी। चलो, इन लोगों को तो टेक्नोलॉजी का नहीं पता था, लेकिन बिहार में सच में लोग ऐसा करते हैं, पूरी पूरी रोड चोरी करने जाते हैं। पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है बांका जिले के राजौन प्रखंड के खरौनी गांव में, जहां सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आता है। अब आप सोच रहे होगे रोड कैसे चोरी हो रही है, ऐसे होती है। कंक्रीट जमने से पहले ही लोगों ने भर भर के गायब कर दिया है। अब ऐसे सारे लोगों को तो नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। इसके लिए रोड, फिर चाहे गांव का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, कॉलोनी का हो, छोटे रोड हो, बड़े रोड हो, सारे रोड वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास होने से काम नहीं चलेगा। और अच्छा रोड हो तो शहर अपने आप सुंदर दिखेंगे, इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ती है, रोड से हमारी इकोनॉमी बड़े क्लोजली कनेक्टेड है। और इस बात के लिए सरकारों को बस 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी एंड अर्बन प्लानिंग। बाकी सजेशन आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।